मेरा बाइक का पूरा पूरी 1 ईयर हो चुका है और 1 साल का अंदर जो प्रॉब्लम दे इस बाइक में, बस ये क्लच है, क्लच केबल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, टॉक मतलब जाम हो गया क्लच केबल। तो ये कुछ 6 मंथ्स का अंदर ही ये प्रॉब्लम देना शुरू हो गया था, तो अभी बहुत ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं सर्विसिंग में जा रहा हूँ, तो इसका क्लच केबल को चेंज करना पड़ेगा और ये भी इधर से टूट चुका है क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसी कारण ये टूट गया। तो सकने से इसको भी सकने क्या इसको चेंज करना ही पड़ेगा। और ये रहा मेरा ब्रेक जो कि 1 मंथ का अंदर ही टूट गया था, लेकिन मैं अभी तक चेंज नहीं किया बिकॉज मेरा काम चल रहा था, तो मैं ज़्यादा राइड पे नहीं जाता, तो सिटी रोड में ब्रेक का इतना काम नहीं होता है, फिर भी ऐसे भी काम चल जाता है। तो आज मैं इसको भी चेंज करने वाला हूँ। और मेरा हेडलाइट का जो नीचे का लाइट है वो भी ख़राब हो चुका है, ये देखो की ऑन किया फिर भी लाइट नहीं जल रहा है। तो यह सब भी प्रॉब्लम है बाइक में, और मेन प्रॉब्लम इसका जो है स्टैंड का पूरा सेंसर खराब हो चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है स्टैंड लगने से KTM स्टार्ट नहीं होता है, तो स्टैंड का थोड़ा सेंसर का केबल में प्रॉब्लम है कि पूरा सेंसर खराब हो गया, वो पता नहीं, इतना जल्दी तो खराब नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से बिकॉज 1 ईयर ही हुआ है बस। तो पता नहीं मेन रीज़न क्या है इसका, तो आज जाके पूछना पड़ेगा क्या हुआ है मतलब सेंसर का, अगर ये सेंसर गया तो मेरा तो फटका फटने वाला है। तो होप सो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, बजट का अंदर हो जाएगा। तो यही था 1 ईयर का रिव्यू, इसमें जो जो प्रॉब्लम हुआ है बस। माइलेज तो अभी तक 40+ दे रहा है, मैं सिर्फ 2 बार ही मोबिल चेंज किया हूँ, सेकेंड सर्विसिंग ही किया हूँ बस, थर्ड सर्विसिंग किया नहीं अभी तक। तो यही है बस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।